देखिए भैया, पत्ता पीला हो रहा है। कैसे पीला हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा के बारे में हम अभी कल भी खेत में गए थे देखने के लिए और आज भी देखे हैं, और सारे दीदी लोग हमारे बैठे, हम लोग का इसी के बारे में बैठक हो रहा है और इस पर ही चर्चा होगा। ठीक है दीदी, ये आप जो बताई ठीक है ना, और खेत में भी जाके देखे हम लोग, तो क्या लगता है आप लोगों की क्या कारण हो सकता है इसका? हमको लगता है भैया कोई मिट्टी में कोई समस्या है क्या? सर हम लोग खाद सही मतलब कि अच्छा नहीं रहने की वजह से हमारा खेत का जो फसल है जो सूख रहा है, ये क्या कि सही समय पर हम लोग खाद नहीं दे पाए, इसके कारण से भी हो सकता है कि फसल में गड़बड़ी हो सकता है। आप सब लोग जो कह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन हमारे पौधे में जो लक्षण दिख रहा है ये सब पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। पौधे में पोषक तत्व क्या होता है भैया, मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ तो दीदी, आप जो पूछ रहे थे कि ये क्या है, किस तरह का लक्षण है, तो हमारे पौधे में अंकुरण से लेकर के फसल फल देने तक 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16? ये क्या, हम तो केवल 3 ही तत्वों को जानते हैं, जो कि यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटास हो गया, बस यही सब तो हम डालते हैं। हाँ भैया, जयराम भैया तो ठीक ही बोल रहे हैं, हम लोग तो 3 ही चीज के बारे में जानते हैं, यूरिया, DAP या पोटास। आप जो कह रही हैं दीदी वो सही कह रही हैं। आप लोग जो पोषक तत्व देते हैं खाद के माध्यम से, वो सिर्फ 2 या 3 पोषक तत्व ही दे पाते हैं, जबकि 12 से 13 पोषक तत्व आप लोगों का बाकी रह जाता है जो फसल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके वजह से ही आज ये फसल का लक्षण दिख रहा है, वो 12 से 13 पोषक तत्वों के कमी होने की वजह से। आजकल हो क्या रहा है कि हम लोग जो लगातार खेती करते जा रहे हैं, हर मौसम में तरह तरह का फसल उगाए जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम होती जा रही है, और उस उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से हमारा उपज कम होता है, और हमारा जो उपज होता है वो उतना फलदायी नहीं होता है। अतः हमें इन सब सारे 16 पोषक तत्वों को मिट्टी में फिर से उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, जो हमें देना चाहिए। अच्छा आसमानी भैया, इसको बारे में हम लोग का अच्छा से समझाइए और विस्तार से बताइए। हाँ क्यों नहीं दीदी, मैं बता रहा हूँ कि ये 16 पोषक तत्व क्या होते हैं। इनकी जरूरत पौधे के अंकुरण से लेकर के फल देने तक होती है, जिनका अलग अलग महत्व होता है। ये सारे पोषक तत्व जो मुख्यतः 16 होते हैं, जिन पौधों को मिलता है उनका पूर्ण रूप से विकास होता है और उनके फल भी अच्छे लगते हैं। अच्छा भैया, ये 16 तत्व ये कौन कौन सा होता है? अच्छा दीदी लोग, ये जो 16 पोषक तत्व है, मैं उस 16 पोषक तत्व के बारे में एक एक करके समझा देता हूँ। हाँ तो दीदी लोग, हम बता रहे थे कि पौधे के विकास के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की? 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, और उससे कुछ कम मात्रा में होते हैं, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थोड़े बहुत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए दीदी, ये सारे पोषक तत्व हमारे मिट्टी में पहले से ही उपलब्ध होते हैं, परंतु हम लगातार मिट्टी पे खेती करते रहते हैं, जिसके वजह से ये पोषक तत्व कम हो जाता है, इसलिए हमको ये पोषक तत्व मिट्टी में फिर से देना होता है। जैसा कि दीदी हम बता चुके हैं कि कुछ तत्व अधिक मात्रा में चाहिए, जिन्हें हम प्राथमिक तत्व कहते हैं, और कुछ तत्व कम मात्रा में चाहते हैं, जिन्हें हम गौण तत्व कहते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उनसे भी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। हाँ तो दीदी, जो तत्व अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको हम प्राथमिक तत्व कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है, और जो दूसरा तत्व होता है जिसे हम गौण तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मतलब कि गंधक की आवश्यकता होती है। अच्छा भैया, जो बहुत कम मात्रा में तत्व है जो खेत में हम डालेंगे वो कौन कौन सा है? हाँ तो दीदी, जो बहुत कम मात्रा में तत्व पाए जाते हैं उनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, जैसे कि तांबा, बोरान, मैंगनीज, लोहा, जस्ता, ये 7 से 8 तत्व होते हैं जो कम मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होते हैं।
ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन सारे तत्व कहाँ से मैंने प्राप्त होगा और उपलब्ध कैसे होगा? हाँ किसान भाई, आपने सही कहा, ये सारे पोषक तत्व हमें अगर मिट्टी में डालने हैं और पौधों को देना है तो इनकी खरीदारी अलग अलग खाद के माध्यम से करना होगा जो कि बाजार में उपलब्ध रहता है। मगर दीदी, आजकल किसान भाई लोग खेत में सिर्फ तीन ही तत्वों का प्रयोग करते हैं और वो यूरिया होता है, डीएपी होता है और एमओपी होता है, जिससे हमको सिर्फ तीन ही तत्व प्राप्त होता है और बाकी के हमारे 11 से 13 तत्व बच जाते हैं, जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम भी होती है और फसल का उपज। जैसा कि हम बता रहे थे, पहला प्राथमिक तत्व होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। नाइट्रोजन के लिए हमको यूरिया खरीदना पड़ता है, फास्फोरस के लिए डीएपी खरीदना पड़ता है और पोटास के लिए एमओपी खरीदना पड़ता है जो हमें बाजार से उपलब्ध हो जाता है। हाँ हाँ भैया, ये सब तो हम लोग को मालूम है, ये सब तो बाजार में मिल ही जाता है। हाँ, तो अब बचा दो तत्व, एक गौण तत्व हो गया और दूसरा सूक्ष्म तत्व हो गया। तो गौण तत्व में जो पाए जाते हैं वो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीनों तत्व बाजार में अपने ही नाम से मिलते हैं। कैल्शियम के नाम से ही मिलेगा, मैग्नीशियम के नाम से ही मिलेगा और सल्फर के ही नाम से मिलेगा। और जो हमारा सूक्ष्म तत्व है जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, तो बाजार में हम जब जाएंगे तो ये हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से उपलब्ध हो जाता है, अतः हम दुकानदार से माइक्रो न्यूट्रिएंट करके खरीदारी कर लेंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मिट्टी को इन सारे तत्व, पोषक तत्व देना है तो ये सारे खाद बाजार से अलग अलग खरीदना होगा, तब तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा भैया। हाँ, तो किसान भाई आप सही बोल रहे हैं कि ये जो खाद की खरीदारी करेंगे अलग अलग, वो महंगा पड़ेगा और साथ ही साथ महंगा पड़ने से तो हमारे आय पे प्रभाव पड़ता है और उसके साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। तब तो क्या करें भैया, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, आप ही बताइए। हाँ तो दीदी, अगर हमको महंगाई से बचना है और अपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाना है तो इसके लिए हमारे पास एक सीधा और आसान तरीका होता है जिसे हम जैविक खाद के बारे में जानते हैं। जैविक खाद से हमारे वातावरण पर भी प्रभाव नहीं पड़ता और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। तो अगर हमको अपने पैसे की बचत करनी है तो हम जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा भैया, ये करना है। जैसा दीदी हम बता रहे थे कि अगर हमको जैविक खाद डालेंगे हम लोग खेत में तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। जैविक खाद मतलब होता है कि वो खाद पदार्थ जो कि जैविक तत्वों से बनाया जाता है, जैसे केचुआ का खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, पोल्ट्री खाद, ये तरह तरह के जैविक खाद होते हैं जिनमें सारे तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे फसल का उपज भी अच्छा होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। जैसा कि किसान भाई हम बता रहे थे जैविक खाद के प्रयोग के बारे में, लेकिन एक अंतर आता है जैविक खाद के प्रयोग के बारे में और रासायनिक खाद के प्रयोग के बारे में। रासायनिक खाद कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है और जैविक खाद ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अधिक मतलब कितना भैया? अगर हम जैविक खाद का प्रयोग खेत में कर रहे हैं तो उसकी मात्रा टन में होनी चाहिए, हम टन में ही खेत में डाल सकते हैं, तभी हमारे फसल को सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे और हमारा फसल का उत्पादन अच्छा होगा। हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे जैविक खाद प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती है और साथ ही साथ हमको एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं तो रासायनिक खाद प्रयोग करने से हमारे खेत में उसकी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं उसके कारण हमारे खेत की धारण क्षमता अधिक हो जाती है। हाँ दीदी, जो भी आप फसल खेत में लगाते हैं जैसे कि धान, गेहूं, मक्का या कोई भी अनाज की फसल हुआ या मोटे दाने वाली फसल हुई, दलहनी फसल को छोड़ के अनाज वाली फसल और तिलहनी फसल, इन सारे फसलों में जैविक खाद का प्रयोग जरूरी होता है। जैविक खाद के प्रयोग से इनका उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाता है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। और रहा बात रासायनिक खाद के प्रयोग का, तो रासायनिक खाद का प्रयोग किसान भाई तभी करना चाहिए जब हम अपने खेत की मिट्टी का जांच करा लें।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जो आप लोगों ने हमें ये अवसर दिया, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अपने खेतों में जैविक खाद का प्रयोग करिएगा और अपने खेतों का फसल अच्छे तरीके से उत्पादन उपज लीजिएगा। धन्यवाद। ज्यादा खाद डालेंगे तो उससे हमारा मिट्टी तो खराब होता ही है, पौधे भी खराब हो जाते हैं, अतः हमें मिट्टी का जांच करा के ही मात्रा अनुसार खाद का प्रयोग करना चाहिए। भैया हम तो कल ही जा रहे हैं अपना खेत के मिट्टी जांच कराने के लिए। हाँ तो दीदी लोग, जो हम अभी जैविक खाद के बारे में समझा रहे थे और रासायनिक खाद के बारे में समझा रहे थे, आप लोग समझ गए ना? चलिए बढ़िया है, कम से कम आप लोग जैविक खाद के महत्व के बारे में तो समझ गए। जैविक खाद का महत्व बहुत ही जरूरी है और हमारे फसल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आप सभी किसान बंधुओं के लिए ये मेरा संदेश है या मेरा अनुरोध है कि आप अपने मिट्टी के लिए, अपने खेतों में और फसलों के उत्पादन हेतु अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खाद का प्रयोग करें। और दूसरा ये कि जब भी आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व का भी प्रयोग करें, जैसे कि बोरॉन, निकेल, तांबा, ये सब हमारे फसल के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और तीसरा ये बात है दीदी कि आप लोग अपने खेत में जब भी रासायनिक खाद डालते हैं तो उससे पहले अपने खेत की मिट्टी जांच करा लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें कितनी मात्रा में कौन सा रासायनिक खाद देना है। भैया आप बताए हैं जिससे हम लोग को शिक्षा मिला है कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद अपना खेत में प्रयोग करें, और दीदी लोग को भी बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जैविक खाद का ही प्रयोग करें। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।